ये CSIR दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये दिया हुआ है कि लेट M4R बी द स्पेस ऑफ ऑल फोर क्रॉस फोर मैट्रिसेस ओवर R और W एक डिफाइन किया गया है वो सारे एलिमेंट्स के जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं एक कंडीशन के साथ. और कंडीशन क्या है कि Aij जो है वो जीरो है, I प्लस जी इक्वल्स टू K के लिए और K वेरीज कर रहा है ये सब में. इसको मैं दो तरीके से बताऊंगी, एक्चुअली बोथ आर रिलेटेड बट जो भी अच्छा लगे देखते हैं. तो सबसे पहले 4x4 मैट्रिक्स है और अगर हम देखें K के वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंडीशंस दिए हुए हमें, ठीक है. और 4x4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 16 होते एलिमेंट्स. यानी कि अगर हमें नॉर्मल 4x4 का अगर डायमेंशन पूछे तो हमारा 16 होता डायमेंशन, बट हमें इसके साथ साथ कंडीशन दी गई है, टोटल 7 कंडीशन दी गई है. तो इसलिए जो डायमेंशन हो जाएंगे W के वो हो जाएंगे 16 - 7 विच इज इक्वल टू 9. दैट्स इट. अब दूसरा मेथड मैं इसको थोड़ा एलोबोरेट करके बता रही हूँ. दैट्स इट, ये 4x4 मैट्रिक्स है. मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखती हूँ. सबसे पहले A11, A12, A13, A14. अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखना स्टार्ट करते हैं. हमें क्या बोला है, इसको भी मैं एक्सपेंड करती हूँ. सपोज k इक्वल्स टू जीरो, सॉरी k इक्वल्स टू टू लेना है हमें, k इक्वल्स टू टू. तो k इक्वल्स टू टू कितने तरीके से आ सकता है वो देखते हैं. तो वो सारे ए आई जे लेंगे. अगर हम i का वैल्यू 1 और g का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. और हम इसमें कोई पुट नहीं कर सकते हैं 2 के लिए जो कि इसमें बिलोंग करे. तो यानी क्लियरली A11 जीरो हो गया. अगर A22 करेंगे तो, अगर 3 लेंगे तो 1 2 2 1 3 होगा, दोनों का सम 3 है. आई प्लस जे इक्वल टू के बोला है. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है. ये 0 आ गया, उसी तरह से सारी कंडीशन लिखते हैं. नेक्स्ट 4 के लिए A31 प्लस A22 प्लस A31 इक्वल टू 0. इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, दिस इज द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ. ये तो जीरो हो गया, डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. ये जीरो हो गया, ये भी डायमेंशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा. ये सब डायमेंशन में हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे. कैसे देंगे, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो अगर हम एक एलिमेंट को ही चूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर A21 को लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ A12. हम एक एलिमेंट जो चूज करेंगे हमारा दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा. तो ये जो डायग्रल है ये हमें वन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. ये देखें तो अगर हम किसी भी दो को चुन ले, इधर दीज टू और दीज टू और दीज टू, तो हमें थर्ड एलिमेंट मिल जाएंगे. तो यहां से हमें 2 मिल रहे हैं, ठीक है. उसी तरह से जब इस लाइन में देखेंगे तो हमें 3 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3. तो ये 4 अपने आप लिखा जाएगा इन तीनों के टर्म्स में. फिर यहां से हमें 2 मिलेंगे, यहां से हमें 1 मिलेंगे, यहां से कुछ नहीं मिलेंगे ना. अब डायमेंशन के लिए हमें करना क्या है, सबको ऐड कर देना सिंपली. 2 1 3 3 और 3 6 6 और 3 9. सो 9 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. थैंक यू.